गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। हम लोग भी एकदम मस्त। आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी से कर रहे हैं। अभी बस रहे हैं 9 और यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया है हम लोगों ने। और अब आज धोते हैं गेहूँ। आज धूप बहुत अच्छी आई है तो धोते हैं आज गेहूँ। आज है संडे, फन डे, मजे ये। और फिर धोते हैं, घर का काम करते हैं थोड़ा, और गेहूँ वगैरह धोते हैं। और दीदी यहाँ पे सो रखे दिखाती हूँ। गेहूँ दीदी ने गेहूँ धो दिए हैं। यहाँ पे छत पे ला गए हम सुखाने के लिए। पर गाइस बहुत धूप हो रही, मरने वाला। तो फ्रेंड हमने जल्दी जल्दी जैसे धुपाई वैसे फटाफट हमने गेहूँ को पूरा बारीक बारीक पतला पतला फैला दिया है। और अभी ये दूसरी चादर में और पतला कर रहे हैं ताकि ये जल्दी सूख जाए। बस हम इंतजार कर रहे हैं इनके सूखने का। दोबारा से आ गई हूँ मैं अपने मिनी गार्डन में, जो कि है तोरी का। और शाम के बज गए 5 और मैं आ गई हूँ अपनी ये तोरियाँ तोड़ने। इसके अंदर छुपी है तोरियाँ और यहाँ लगी हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तोरियाँ लगी हुई हैं जो अब मैंने, ये रही ये रही। अब मुझे इन्हें तोड़ना पड़ेगा सबको। ये देखो, एक रही मेरी ये, एक रही मेरी ये, सारी एक तरफ से बेल लगी है, मैंने काटने वाली है। और यहाँ पे बैठी है रोशनी बिल्कुल मायूस। पेपर है तेरा इसलिए मायूस हो रही। कल इसका एग्जाम है तो ये बिल्कुल मायूस हो रही है क्योंकि इसने ज्यादा ही पढ़ लिया कुछ। तो फ्रेंड मैंने एक एक करके सारी तोरियां तोड़ दिए और मैं अभी इन्हें रख रही हूँ। ये तोड़ी मैंने अपनी सारी तोरियां। तो फ्रेंड बच गए शाम के 7 और मैंने भी अपनी तोरियां तोड़ ली है। ये आज इतनी तोरियां निकली हैं यहाँ से। मैं हर दूसरे दिन मतलब निकल ही जाती है इतनी तोरियां। तो आजकल वैसे तो बरसात में इतनी महंगाई हो रही है कि मतलब सब्जी खरीदना महाभारत हो रहा है, मतलब कहाँ कहीं से भी। और हमने इसमें क्या गलती करी, हमने ना इसमें मतलब तोरी और लोबिया की बेल ना एक साथ बो दी, तो मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या है। वो तो ऐसे जाल बना रखा है, पापा जी ने बनाया था जाल, इसलिए तोरियाँ ना सारी नीचे आ जाती है इसमें। और आज की ये रही सब्जी, और आज हम बनाने वाले हैं ये वाली तोरी जो हमारे खुद के मिनी गार्डन से निकली है। तो मतलब अगर आप भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे, अगर अपने घर पर अगर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो घर की सब्जियां आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है अगर जगह है तो। बाबा हंस रहे। अरे देख डंडी नहीं है, बाथरूम का रोशनदान है, उसके ऊपर देखो दिख रही, तोड़ सकते हैं उसे, रहन दो। जो ऐसे में दिख रही हो अंदर। हाँ मोटी है काफी, 2 दिन बाद तो पक नहीं जाएगी। वो दिख रही है मेरे को, यहाँ से दिख रही है। तोड़ दो उसे भी। हाँ बता रही हूँ, पता नहीं कैसे एक तोरी छूट गई थी। पतली सी है, पतली है, ठीक तो है। ये तोरी ने मेरी नजरों से छूट गई थी और अभी से पापा ने तोड़ दिया वहां अंदर से जाके। निकल गई तो भाभी आ गई, मुझे जल्दी जल्दी जाना थ्रेडिंग में। हो गई, बहुत है। तो निकाल दी तो यार है पावर। ये चोको के लिए चकोत्रे तो लगे हैं, चकोत्रे तब दिखाऊंगा जब मेरे हमारे चकोत्रे पक जाएंगे। ये हमारे चकोत्रे का पेड़ जिसमें हमारे ये सारे चकोत्रे लगे, पर क्या करें इन चकोत्रों का, ये तो देखो सारे गिर रहे हैं। पता नहीं क्या, अगर किसी को पता है कि इनमें कौन सा रोग लग गया तो बताना। मैंने तो गूगल भी करके देख लिया पर उसमें पता नहीं चल रहा कौन सा रोग है। अब ये पकेंगे अक्टूबर में, अक्टूबर में पकते पकते तो पूरे पता नहीं क्या हाल होगा इनका, सारे झड़ जाएंगे लग रहा। वैसे बच ही जाएंगे, कुछ तो बच ही जाएंगे। ये देखो लग रहे,
ये ऐसे झड़ रहे हैं रोज, मतलब इतने झड़ जाते हैं। कितने दिन बाद आज मैं नए लुक में आई है। नए लुक कपाल। कितने दिन बाद आज मैं चौराहे आई हूँ। भैया देखते हैं मेरे ब्लॉग। अगर आपको भी थ्रेडिंग बनाने में बहुत दर्द होता है तो यहाँ आइए, यहाँ बिल्कुल भी दर्द नहीं होता थ्रेडिंग बनाने में। ये सनशाइन ब्यूटी पार्लर, तुम भी बना रहे हो? तुम्हें तो उड़ी रखी लग रहा। मेरे को बनानी पड़ी यार, मैं पता है अमिता की शादी से नहीं बनाई, मोटी लग रही ना मैं बहुत। ओ भाई मेरे को तो भी सोच सोच के कितना दर्द, ऐसा लग रहा है दर्द होने वाला है। हमारी रात की पार्टी मन कर रहा था आज मुझे तो। तो फ्रेंड आज मैं बनाने वाली थी तोरी, जैसे कि आपने देखा मैंने तोरी तोड़ी थी फ्रेश फ्रेश, फिर यहाँ पे भाई ने कहा कि आज बारिश हो रही है तो इसलिए आज तोरी में बना, हम आलू के परांठे बना रहे, तो मैं बना रही हूँ आलू के परांठे और बन भी गए। फ्रेंड यहाँ पे बज गए हैं रात के 10 और अब टीटू और भी खाना खा रहे हैं, अब उनके लिए खाना लेके आ गई, अब उनको खाना दे दिया। देखो इन्हें कितनी भूख लगी, भूख लग गई, भूख को लग गई, और दोनों को ना अलग अलग देना पड़ेगा, नहीं तो ये तो लड़ लड़ के आफत मचा देंगे। तो मैं इनको खाना देती हूँ। मैंने ये दोनों ना दूध भी पी देते, अब ये थोड़ा थोड़ा दूध पीने लगे। ये कितना चालाक है, पहले उसका खा रहा है फिर अपना भी खाएगा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमें अपना प्यार ऐसे देते रहिए और अपना ध्यान रखिए और आपके आसपास जितने भी जानवर हैं उनसे प्यार करिए। और ये मेरे टीटू कहाँ गए, ये खाना खा रहे हैं। हरे कृष्णा, बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ और करेंगे कल की नए ब्लॉग की शुरुआत। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय।